इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीईटी परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी के पास ब्लूटूथ मिला है। अभ्यर्थी पवन कुमार शर्मा के पास से ब्लूटूथ मिला है। इसी बीच आपको यह भी जानकारी दे दें कि केंद्र अधीक्षक ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अभ्यर्थी के पास से ब्लूटूथ मिला है, केंद्र अधीक्षक रिपोर्ट दर्ज कराई है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां पर अभ्यर्थी के पास से ब्लूटूथ मिला है। सीटी की परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी के पास से ब्लूटूथ मिला है। अभ्यर्थी पवन कुमार शर्मा के पास से ब्लूटूथ ईयरफोन मिला है। केंद्र अधीक्षक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और इसी बीच पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। राजधानी जयपुर से रजाउल्लाह हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। रजा, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभ्यर्थी ब्लूटूथ ईयरफोन लेकर एग्जाम में बैठते हैं, एक के बाद एक कई ऐसे राजस्थान में, कहीं पेपर लीक का मामला आता है तो कहीं स्टूडेंट्स की ऐसी खबरें सामने आती हैं। बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर के माणा चौक थाना इलाके का एक परीक्षा केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कल थी एक परीक्षा यहाँ पर जो है आयोजित होनी थी और परीक्षा आयोजित हो रही थी। इस दौरान जो उड़न दस्ता है उसने एक अभ्यर्थी को पास से जो है ब्लूटूथ ईयरफोन बरामद किया। फिलहाल माणाचौक थाने में केंद्र अधीक्षक की तरफ से रिपोर्ट दी गई है। जो अपराधी जो आरोपी है उसका नाम पवन कुमार शर्मा बताया जा रहा है। जयपुर के एक इलाके का ये रहने वाला है। फिलहाल जो माणाचौक थाना पुलिस है वो पूरे मामले की तहकीकात करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर केंद्र पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस केंद्र में परीक्षार्थी जब वो अंदर बैठ गया था तो अंदर बैठने के बाद उसके पास से ब्लूटूथ कैसे बरामद हो गया, क्योंकि जब इतनी गहनता से जांच की जाती है तो सवालिया निशान खुद जो केंद्र अधीक्षक के पास जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों पर लगते हुए नजर आ रहे हैं कि इतनी गहन तलाशी के बाद भी आरोपी के पास ब्लूटूथ उधर दस्ते ने कैसे जो है बरामद कर लिया। फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की तहकीकात करती हुई नजर आ रही है। और कौन कौन इस पूरे मामले में संदिग्ध है उन लोगों को भी हिरासत के लिए लगातार टीमें गठन कर दी गई जो अलग अलग इलाकों में छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। जी क्योंकि देखिए रजा, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जो प्रमाइसिस था जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, केंद्र था, वहां पर ब्लूटूथ के साथ एंट्री ही कैसे हुई? और ब्लूटूथ के साथ अगर एंट्री होती है तो जो इन्विजिलेटर्स थे, जो एग्जामिनेशन के दौरान बैठे थे, उन्होंने नहीं क्यों चेक किया? बिल्कुल, देखिए कुछ सवालों के कटघरे में जहां तक बताया कि जो केंद्र है वो खुद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि जब इतनी गहनता की तलाश के बाद में अभ्यर्थी को एंट्री दी जाती है तो जब एंट्री दे दी गई उसके बाद परीक्षा के दौरान जो उड़न दस्ता था उन्होंने इसको गिरफ्तार किया, तो ऐसे में सवालों के कटघरे के अंदर खुद केंद्र खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि इतना बड़ा मामला होने के बाद परीक्षार्थी ब्लूटूथ लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर घुस कैसे गया? जब इतनी गहनता से जांच होती है हर चीज की, हमने देखा कि हाफ आस्तीन के जो टी शर्ट है वो पेन के अंदर दाखिल किए जाते, तो पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तहकीकात करती हुई नजर आ रही है। क्या जिस केंद्र पर परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचा था उस केंद्र के जो जो तमाम लोग हैं वो लोग क्या इस मामले के अंदर संदिग्ध है या नहीं है? फिलहाल अभी पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करने से बच रही है क्योंकि कड़ी से कड़ी यहाँ पर बोली जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया रजाउल्लाह जानकारी देने के लिए। वहीं आपको बता दें कि